नमस्कार। साल 2004 में राजनीति में कदम रखने वाले राहुल गांधी पहली बार अपने पिता राजीव गांधी की ही सीट अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 21 सीटें जीती, जिसका श्रेय भी राहुल गांधी को गया। लेकिन 2014 में जब देश की जनता ने देश की कमान मोदी के हाथ में सौंपी, तो मानो सबसे पुरानी और देश भर में सबसे ज्यादा सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टी भारतीय नेशनल कांग्रेस की सियासी जमीन दरकती चली गई। चुनावों में कांग्रेस को हर तरफ से मिल रही करारी शिकस्त ने राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर भी कई सवालिया निशान लगा दिए। आलम यह है कि गांधी परिवार को अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस के इन हालातों पर देश राहुल गांधी के नेतृत्व पर उंगलियां उठा रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आने वाले वर्षों में राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। आज राहुल की कुंडली क्या कहती है, ये जानेंगे पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। इनके जन्मदिन पर जानिए इनके लिए अगला एक साल कैसा रहने वाला है। वर्ष 2014 और 2019 में दो लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व यानी गांधी परिवार पर अब अपने राजनीतिक अस्तित्व जो है वह बचाने के संकट से जूझना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल और आसाम के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह अपनी हार के बाद कांग्रेस पार्टी को अपनी सत्ता वाले राज्यों पंजाब और राजस्थान में नेताओं के बगावती तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। इन हालातों में राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही, इनके ऊपर काफ़ी राजनीतिक भी दबाव भी है। 19 जून 1970 को पैदा हुए राहुल गांधी की वर्ष कुंडली यह बताती है कि अगला एक वर्ष इनके लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वर्ष फल या ताजिक ज्योतिष के नियम के अनुसार यदि जन्म लग्न में उदय हो रही राशि यानी कुंडली में जो लग्न है वही लग्न वर्ष कुंडली में भी बने तो उस वर्ष को द्विजन्मा लग्न कहते हैं। ऐसा वर्ष जातक के जीवन में कोई बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर आता है जो कि उसकी दशा के अनुरूप लाभ देता है, जो कि उसकी दशा के बलाबल के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो जन्म पत्रिका है वह तुला लग्न की कुंडली में पंचम भाव में पड़े राहु की दशा भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है। इनकी चंद्र राशि धनु से कुटुंब यानी दूसरे घर में गोचर कर रहे शनि कुछ पारिवारिक संकटों की ओर भी संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उनमें और उनकी माता सोनिया गांधी में कुछ मतभेद भी उभर सकते हैं, कुछ इसको लेकर परेशानियां भी हो सकती हैं। राहुल गांधी की वर्ष कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित मुंथा के साथ वक्री शनि है और उस पर दशम भाव में नीच के मंगल की दृष्टि इनकी पार्टी और परिवार के लिए परिवार के भीतर बड़े मतभेद तथा विवाद होने के संकेत दे रही है। वर्ष कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बुध विनाश स्थान यानी अष्टम भाव में है तथा अष्टमेश जो है शुक्र भाग्य भाव में है, जिसके मिले जुले परिणाम सामने आएंगे। आपको बता दें कि पंजाब और उत्तराखंड में इनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ बेहतर करते हुए कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में परिणाम उत्साहजनक नहीं रहेंगे। राहु में गुरु की अंतर्दशा 26 दिसंबर 2021 को शुरू होगी, जिसके बाद राहुल गांधी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी जो है अपनी राहुल गांधी काफ़ी एक्टिव नजर आएंगे। कांग्रेस संगठन में भी होगा बहुत बड़ा परिवर्तन इस दरमियान।
फिलहाल आगामी कुछ महीनों में राहु में राहु की कठिन दशा के चलते इनको पार्टी और परिवार के भीतर संकटों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियां उभर सकती हैं, इसको सुलझाने में भी समय लग सकता है। वर्ष कुंडली में चंद्रमा के 12वें घर में होने के चलते तथा लग्न पर शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि के कारण इनको माता के स्वास्थ्य को लेकर, मतलब राहुल गांधी को सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। राहुल गांधी की कुंडली में पंचम भाव में बैठे राहु की महादशा में राहु की विंशोत्तरी दशा के चलते दिसंबर 2021 से पहले कांग्रेस संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। राहु पंचम स्थान में बैठे हैं, पंचम स्थान में बहुत तीव्र बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं और बड़े बड़े रिजल्ट जो है दिलाते हैं। तो राहु का अगर ससामयिक अगर उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से इनके पक्ष में रिजल्ट आ सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। आम चुनाव से ठीक 2 महीना पहले कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला था, उससे क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सभी हैरान थे। विधिवत तरीके से राजनीति में पदार्पण करने वाले प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वह उनका तुरूप का पत्ता साबित होंगी और कांग्रेस की खोई हुई मान सम्मान और प्रतिष्ठा को वापस दिलाएंगी। यह तो बात हुई राजनीतिक दाव पेश की, लेकिन क्या प्रियंका गांधी के सितारे भी इस बात पर मुहर लगाते हैं? क्या वह बताते हैं कि उनका कैसा समय आने वाला है? जानने के लिए आइए देखते हैं प्रियंका गांधी की कुंडली का विवेचन करते हैं। प्रियंका गांधी का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, जन्मकालिक वृश्चिक राशि है। जन्म के समय लग्नाधिपति बुध की केंद्रवर्ती अवस्था एवं बृहस्पति की ज्योति नवमांश में बुध की स्वगृही अवस्था इन्हें राजनीति की दुनिया में अत्यंत लोकप्रियता प्रदान करने वाली है। प्रियंका गांधी के जन्म के समय जनता से मिलने वाले सहयोग एवं प्रेम का अधिपति जहां बुध है, वहीं राजनीतिक सफलता के लिए आवश्यक पंचमाधिपति पंचमेश के जो मालिक हैं अपने घर से, पंचम अवस्था यहां प्रचंड रूप से जनता का इन्हें समर्थन प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। वहीं आर्थिक एवं पारिवारिक ताकत की बात करें जो कि जन्म से ही उन्हें प्राप्त है, उससे दशमेश पराक्रमेश एवं लग्नेश की केंद्रवर्ती ज्योति आगे बढ़ाने वाली कही जाएगी। वर्तमान में प्रियंका गांधी की शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, जो बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। परंतु बुध जन्म कुंडली में लग्नाधिपति होने के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को निश्चित रूप से वापसी की ओर ले जाएगा। अर्थात यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का आना राजनीतिक प्रवेश अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु इन्हें गंभीर रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मकालिक राशि भी वृश्चिक ही है, जो कि प्रियंका गांधी की है। ऐसे में राजनीति के मैदान में पीएम मोदी को राहुल गांधी से अधिक चुनौती प्रियंका गांधी से मिलेगी। यद्यपि दोनों की ही कुंडली जो है, दोनों की ही कुंडली काफी बेहतर है, जिसके फलस्वरूप मोदी जी उत्तर प्रदेश में न केवल पूर्व से भी बहुत कम सफलता आने वाले समय में इन्हें, खासकर प्रियंका गांधी को कम सफलता मिलने के जोग हैं। भाजपा को एवं अन्य पार्टियों को खासकर बेहतरी के जोग बन रहे हैं। प्रियंका गांधी को स्वयं के परिवार के ऊपर जहां राजनीतिक आघात का मुकाबला करना होगा, वहीं शासन प्रशासन की ओर से भी संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बीच प्रियंका गांधी एवं उनके परिवार विशेष रूप से शासन सत्ता का खासा विरोध इन लोगों को झेलना पड़ेगा, लेकिन 2021 के बाद अचानक ही कांग्रेस के सितारे फिर से चमकने शुरू होंगे, जिससे प्रियंका का खासकर बड़ा योगदान रहेगा। बुध की अंतर्दशा इन्हें भारतीय राजनीति
के ध्रुव तारे की तरह प्रकाशित करेगी। इनकी जो जन्म पत्रिका है, इनका जो डिटेल्स है, प्रियंका गांधी का जन्म तारीख है 12 जनवरी 1972, जन्म समय 17:48 और जन्म का जो स्थान है वह दिल्ली है। इनकी कुंडली बता रही है, ये थोड़ी राजनीति से अलग थलग पड़ रही हैं, लेकिन अपने एक्टिविटी के कारण ज़्यादा अगर समय देती हैं राजनीति में तो निश्चित रूप से देश की एक बड़ी नेत्री के रूप में उभरेंगी। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।